और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब आज के गेम प्ले की बात करूँ ना तो भाई साहब तबाही है। मतलब एक फ्लेयर गन के पीछे, मतलब एक ड्रॉप के पीछे सीरियसली लौंडे पे लौंडे आने वाले। मतलब उस घर में पेटी पे पेटी दिखने वाली है आपको। मतलब मैं तो थोड़ी देर के बाद पहुँचता हूँ लेकिन उसके बाद भी इतनी पेटियाँ बनती है, कसम से बता रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। मैं और उसी के साथ मैं उतर जाता हूँ रोजॉक में और मुझे गन भी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर कोई लौंडा ही नहीं आता है। मतलब एक लौंडा, मतलब एक बॉट मिल जाता है, पहले उसको मारते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उधर से गोलियां चलती है राइट से, तो उस तरफ जाएंगे हम। अब एक लौंडे को तो मैं भगते भगते नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसका दूसरा लौंडा कहाँ से डीपी पटकाता है अपने को समझ में नहीं आता, और भाई साहब पूरी की पूरी हेल्थ खा लेता है। किसी तरीके से कवर में आता हूँ, हील करता हूँ, उसके बाद ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि है आखिर कहाँ में। और जैसे इधर आता हूँ पता चलता है रिवाइव रिवाइव खेला जा रहा है, तो भाई साहब खिड़की से दिख जाते हैं, तो खिड़की से आराम से पहले जाते हैं। उसके बाद यदि मैं 2 सेकंड भी लेट हो जाता तो भाई साहब धुआं धुआं भी कर चुके थे, तो पता भी नहीं चलता, सारा का सारा एडवांटेज लेके जाता, लेकिन आराम से लौंडा ठिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कोई लौंडा मिलता नहीं है, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ, जितनी भी सस्ती महंगी लूट होती है इनसे मिल जाती है, और भी यहाँ से जितनी भी लूट मिलती है लेके उठाता हूँ और गाड़ी लेके निकलता हूँ यहाँ से। और भाई लोग तैयार हो जाओ, कसम से सीरियसली बोल रहा हूँ, तबाही शुरू होने वाली है। मतलब मैं गाड़ी लेके जैसे यहाँ से निकलता हूँ मुझे एक फ्लेयर ड्रॉप दिख जाती है, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा। मतलब ड्रॉप की गने भी मिलेगी, लौंडे भी मिलेंगे, और मैं सीधा गाड़ी भगाते हुए उस ड्रॉप के पीछे चला जाता हूं। और जैसे ही वहां पहुंचने वाला होता हूं, वहां लड़ाइयां की आवाज सुन के मैं गाड़ी से फटाफट उतरने की कोशिश करता हूं और अपनी हेल्थ की मां बहन एक करवा लेता हूं सीरियसली मैं, और हील करता हूं फिर उसके बाद आराम से बैठ के, उसके बाद देखो क्या ही लड़ाइयां होती है। अब इन दोनों लौंडों की कहानी सुनो। मतलब एक लौंडा होता है ड्रॉप के पीछे राइट में, और दूसरा लौंडा होता है लेफ्ट में पेड़ के पीछे, जो यूजी से किसी बॉट को मार रहा होता है। लेकिन लेफ्ट वाले को पता चल जाता है कि घर के अंदर मैं आ चुका हूं, तो भाई सब संभलने लगता है, तो मैं उसके ऊपर फायर करने की कोशिश भी करता हूं लेफ्ट वाले के ऊपर, तभी पता चलता है कि राइट से फुटस्टेप आई है, तो मैं फटाफट कवर लेता हूं, उसके बाद ड्रॉप वाले को मारता हूं, उसके बाद आराम से लेफ्ट वाले को भी मार देता हूं। लेकिन भाई साहब इन दोनों को जैसे ही मारता हूं, मैं ड्रॉप लूटने के लिए जा ही रहा होता हूं कि कोई दूसरा लौंडा गाड़ी से आ जाता है, उसके बाद देखो। और वो जिस तरीके से गाड़ी रोकता ना, मेरे को समझ में आ जाता है कि लौंडा घूम के ही आने वाला है, तो मैं भी घूम के जाता हूँ और आराम से पेल देता हूँ उसको। लेकिन देखो उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्थ मेरा खा गया, तो मैं आराम से हील वील करता हूँ। जैसे ही हील पूरा करता हूँ, भाई साहब कोई लौंडा मेरी तरफ दौड़ते भगते चला आ रहा है, तो उसको आराम से देखो क्या करते हैं। और इसको मारने के बाद लूट वगैरह करता हूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है, तो भाई साहब ड्रॉप में AWM पड़ा होता है, तो मुझे AWM नहीं चाहिए होता इस मैच में, तो मैं नहीं लेता हूँ। और यहाँ पे देखो तुम लोग, देखो कितनी सारी पेटियाँ बनी हुई है। मतलब मैं 4 बंदे मारा हूँ यहाँ पे आके, 4 या 5, तो और भाई साहब उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी पेटी बनी हुई है, बाहर पेटी बनी हुई है, अंदर पेटी बनी हुई है, और उस तरफ गाड़ी उठाने जाऊँगा वहाँ पे भी पेटी बनी होगी, तो बहुत ज़्यादा पेटी बनी है भाई इस घर में। सीरियसली बोलता हूँ, इस घर को क्या बोलते हैं ये बता देना कॉमेंट सेक्शन में आके, मुझे नहीं पता इस घर को बोलते क्या है एक्चुअल में। और मैं गाड़ी उठाता हूँ, यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि भाई साहब रास्ते में मुझे एक बग्गी पे 2 लौंडे सवार दिखते हैं, और मैं रोकता हूँ झोपड़े के पास गाड़ी, लेकिन भाई साहब भग जाते हैं तुरंत वो लोग। और मैं थोड़ी देर वेट भी करता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि लौंडे कहीं से टारगेट, मतलब एम वेम लेने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ से वहाँ से छिपके, तो भाई साहब कहीं मुझे दिखते नहीं है, और मैं खुद भी निकलता हूँ गाड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो भग चुके हैं भाई साहब, रफू चक्कर हो चुके हैं। तो मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ, यहाँ से ड्रॉप दिख जाता है मुझे, तो ड्रॉप की तरफ मैं रोजॉक की ओर से होते हुए ड्रॉप की तरफ भगता हूँ, और पहले से ड्रॉप के ऊपर कोई मौजूद है, और यहाँ पे जो होने
वाला है ना, मतलब इससे फाइट लंबी चलने वाली है, कतई महाभारत होने वाला है भाई साहब, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब इस लौंडे को यहाँ से तो मैं मार नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि इकलौता लौंडा है वो, तो मैं बोलता हूँ गाड़ी उठाओ आराम से रश कर दो भाई साहब इसके ऊपर। और मैं डायरेक्टली रश नहीं करता हूँ क्योंकि वो भी तैयार बैठा होगा, तो इसलिए मैं पत्थर का कवर लेता हूँ, आराम से यहाँ पर रुकता हूँ। और भाई साहब देखता हूँ कि धुआं धुआं मतलब पूरी निकलने की उसकी कोशिश थी यहाँ से कि गाड़ी उठाएगा भग जाएगा, लेकिन भाई साहब ऐसा करने नहीं देता हूँ मैं, मतलब पूरा एकदम से कस लेता हूँ उसको। उसके बाद जो महाभारत चलने वाली है ना यहाँ से, मतलब तबाही होने वाली है, देखो यार बस उसको। और इसके बाद है ना पेट्रोल बम और बम ऐसे फेंके जाते हैं, कतई सीरियसली बोल रहा हूँ, नेड और मोलो ऐसे फेंके जाते हैं जैसे शादी में आए हो भाई साहब, फ्री में मिल रहा हो। हाँ मतलब कतई सीरियसली मैं भी फेंक रहा हूँ, वो भी फेंक रहा है, और ना उसके एक भी नेड मेरे ऊपर फट रहा है ना मेरे नेड फट, मतलब कतई दोनों के नेड एकदम सस्ते। तो भाई साहब वो क्या करता है लौंडा, उसके बाद उछलने लगता है, उछलने कूदने लगता है भाई साहब, टीम अप करने की कोशिश करते, नहीं जीत पा रहे होते। तो मैं बोलता हूँ ये तो ना होने वाला हमसे, हम ये नहीं करेंगे सीरियसली में, क्योंकि टीम अप जैसे ही करता हूँ वैसे ही लौंडा मेरे को ठिला देता है भाई साहब, पीछे से मार देता है। तो मैं बोला ये हमसे ना हो पाएगा इस टाइम पे, क्योंकि मैं गेम प्ले बना रहा हूं भाई साहब। उसके बाद लौंडे को आ जाता है गुस्सा, बोलता है टीम अप नहीं करेगा। मैं बोला उसके बाद की तबाही देखो। अब इसको तो मार देता हूँ, लेकिन कहीं से रैंडमली मेरे ऊपर फायर होने लगता है, तो किसी तरीके से बच बुचा के मैं जाता हूँ ड्रॉप के पीछे, छिपता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट दो स्मोक फेंकता हूँ और इसकी पेटी वेटी में जो भी होता है लूटता हूँ। उसके बाद गाड़ी उठाता हूँ, सीधा यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और ये सब कारनामा करते करते भाई साहब लौंडे बचते हैं सिर्फ दो, और ये दोनों एक ही टीम के हैं कि अलग अलग टीम के मुझे नहीं पता। और मैं गाड़ी उठा के यहाँ से जोन की तरफ निकलने लगता हूँ, जो हमेशा की तरह छोटा हो जाती है और मुझसे कई गुना ज़्यादा दूर हो जाती है। तो लेकिन मैं जोन में जाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही गाड़ी रोकता हूँ मुझ पर रैंडमली एकदम फायर होता है। कहाँ से फायर होता है अपने को कुछ भी पता नहीं है, अभी पता चलेगा आपको कहां से फायर हुआ है। ये भाई साहब कतई धर्मेंद्र बने होते, टंकी पे चढ़ जाते हैं ऊपर से, कैसे मारे भाई साहब उसको, अब ऊपर लेट जाएगा ना, नेड मेरा पहुंचेगा ना कुछ होगा। तो भाई साहब मैं बोलता हूँ मेरे से ना हो पाएगा भैया, तो पीछे से कहीं से फुट से पाती है, तो पहले उसको निपटाते हम। और भाई साहब ये उसी का पार्टनर होता, मतलब मेरे को भी गोली लगती है थोड़ी सी, तो मैं हील करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जोन तब तक मैं आ चुका होता है, तो भाई साहब मैं हील करता नहीं हूँ, और फुट से भी आने लगती है तो मैं आगे चला जाता हूँ, क्योंकि लौंडा उसको बचाने के लिए आ रहा है भाई साहब। फिर देखो क्या होता है। और यहीं पे गेम खत्म हो जाता है भाई साहब, क्योंकि सबसे पहली चीज़ उसके पास ग्रोजा थी, दूसरी चीज़ कि मेरी हेल्थ कम थी, और तीसरी चीज़ वो मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा प्लेयर था, सीरियसली में ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँचते रहे। और प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर कर दो वीडियोज़ को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, और रुको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, तो जाके फॉलो करना ना भूलो, उधर जाके तुम बातें कर सकते हो मुझसे, तो जाओ फॉलो कर लो। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।